सो गाइस ये पोल है ना, एक विश पोल के है, माना जाता है उस टाइम के में। तो अगर इसमें ना ऐसे करके कोई अपना ना हार्ट टच कर लेता है और पोल बीच में आता है ना, तो वो बहुत लकी होता है, उसकी सारी विश पूरी हो जाती है। बट आप देख सकते हैं इसे बंद कर दिया गया है कुछ टाइम पहले, एक्चुअली कुछ बात वो हो गई थी, लड़ाई हो गई थी शायद समथिंग, तो वो बंद कर दिया गया है। नहीं तो उससे पहले यहाँ पे लोग आके अपना लक ट्राई करते थे, और बहुत 95% लोग अपना है ना हार्ट टच नहीं कर पाते थे, सिर्फ 5% लोग वो होते थे जो अपना हाथ ऐसे टच कर सकते थे, जिनकी क्या कहते हैं बहुत रियल है वो लोग, बहुत उनका पैशन है वो लोग, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया ताकि कोई और अपना लक ना आजमा सके और सब बदनसीब हो जाए इधर, इसलिए सबका बैड लक चले। इसलिए ये सरकार बड़ी वैसी है, किसी को अपना लक नहीं आजमाने देगी। आई लाइक दिस फोटोग्राफर, मुझे इस टाइप का फोटोग्राफर बहुत पसंद है, फुल पैशनेट। ये जो नाम तो लिखा है आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ, शायद ये मुकेश के नाम से है, ये देखो। लोग कहते हैं ना तेरा नाम लिखा है क्या वहाँ पर, देखो मुकेश जी ने अपना नाम लिखा है, तो ये मुकेश जी के नाम पे है ये पिलर, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम झूठा लिया जा रहा है। ये पूरा कुतुब मीनार केवल ईंटों से बना है, केवल ईंटों से, ये देखो। पता है ना उस टाइम में कैसे साइंटिस्ट, कैसे कलाकार, कैसे जो आर्किटेक्चर रहते होंगे कि केवल ईंटों से बनाया गया है, और ये इतनी हाइट की इमारत और उस पर 379 सीढ़ियाँ, मतलब सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची होंगी, मे भी आधे आधे फुट की सीढ़ियाँ होंगी और उससे ज़्यादा की, तो उस टाइम के लोग कैसे होंगे, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ये सोचने वाली बात है। वर्ल्ड की सबसे ऊँची बिल्डिंग यही है जो ईंटों से बनाई गई है, आप देख सकते हो जो कुतुब मीनार है, अगर उसको आप दो सीटों वाले हेलीकॉप्टर से ऊपर जाकर देखोगे तो ये आपको 24 पंखुड़ी वाला कमल जैसा खिला हुआ दिखेगा ऊपर से, और ये बहुत ही अमेजिंग है। कहते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन ऐसा है नहीं, उनके कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन काल की जो बुक है, जो उन्होंने कभी अपने बारे में लिखा ही नहीं है कि मैंने ये कभी कुतुब मीनार बनाया था, केवल हिस्ट्री से छेड़छाड़ करी गई, तो इसलिए उसका नाम बताया जाता है। इसमें आप आओगे तो बहुत जगह आप देखोगे हिंदू लिपि टाइप का, जैसे कि मंदिर के घंटे, एक मंदिर के घंटे और ये कमल की तरह खिलना, और इसके अंदर बहुत सारे मंदिर की तरह बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं जो पहले बनी थी, और ये जो उस टाइम के जो मुग़ल काल के लोग थे, उन लोगों ने हिंदू की चीज़ें सारी तोड़ फोड़ करके ये अपना मुस्लिम का वो रखा था, क्योंकि उस टाइम उन लोगों को अपना मुस्लिम राज्य फैलाना था, इसलिए उन लोगों ने ये हिंदू का ये साम्राज्य ख़त्म करने की कोशिश करी थी। इसलिए इस चंद्रगुप्त की जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसमें 7 तल बनाए गए थे, 7 अलग अलग तल टाइप के जो कि तोड़ चुके हैं, वो इसलिए बनाए गए थे। तो उस टाइम से जो सप्ते में 7 दिन होते हैं उस टाइम से स्टार्टिंग हुई थी। उस शहर लग सानू भी प्यारा दिल्ली सानू कोई। ये कब्र है ये मुझे नहीं पता, कुछ अरबी में कुछ लिखा है, उर्दू में मुझे इसका कोई ना फिकर, इतने फिर दे आवारा दिल्ली, दिल का शहर लग सानू भी प्यारा दिल्ली। तो ये यहाँ पर जितने भी इमारत, बिल्डिंग और ये टावर, मीनार जो भी बना, ये सारा का सारा रेतीले बालू के पत्थरों से बना हुआ है। उस टाइम के यही जो पुराने ज़माने में जो पत्थर चलते थे, रेत के चलते थे, और ये वही बहुत मजबूत हुआ करते जो अभी तक टिके हैं। और हमने यहाँ पर 4 घंटे बिताए और पता भी नहीं चला 4 घंटे कब बीत गए। और आप आइए विज़िट करिए, क्योंकि हिस्टोरिक चीज़ें हैं, हमें आके विज़िट करनी चाहिए, हमें देखनी चाहिए क्या कैसे क्या हुआ था, कैसे बनी है, ये सब चीज़ें हमें पता करनी चाहिए। और अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये।